हेलो, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको बहुत प्यारा सा मल्टी कलर में डोर मैट बनाना बताऊंगी। तो इसे मैंने 24 फंदों में बनाया है और मैंने वूल से बनाया है। वूल थोड़ी मोटे वाली ली है, उसको भी मैंने डबल किया है। तो आप चाहे तो इसे पुरानी चुन्नी से, साड़ी से, लेगिंग से, टी शर्ट से, या आपके पास मैक्रम है तो मैक्रम से भी बना सकते हो। तो 24 फंदों से हम इसे स्टार्ट करेंगे। आपको जितना बड़ा डोर मैट बनाना है उस हिसाब से आप 24 फंदों से बढ़ा सकते हो फंदे। जितने आपको 26 रखने हैं, 30 रखने हैं, 40 रखने हैं, जितना बड़ा आप डोर मैट बनाना है आपको बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे चाहे तो मल्टी कलर में बनाइए, चाहे तो दो रंग में बना लीजिए। तो मैंने ये 24 फंदे डालकर एक सिलाई मैंने उल्टे उल्टे बुन ली है। अब देखिए, एक सिलाई बुनने के बाद हमने क्या करना है, चार फंदे बढ़ाने हैं। 1, 2, 3, 4। आप फंदे चाहे ऐसे डाल लीजिए जैसे मैंने अभी सिंपल बताए हैं। आपको किसी भी तरीके से फंदे डालने आते हैं तो आप उस तरीके से डाल सकते हो। अगर आपको नहीं भी आते हैं डालने तो भी आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैंने फंदे डालने बताए हुए हैं। तो अब इन फंदों, चार फंदों जो बढ़ाए हैं, इन्हें हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। उल्टा उल्टा बुनने के बाद जो बाकी के फंदे हैं इन्हें भी उल्टा ही बुन लेंगे। अब लास्ट में हम, जैसे हमने उस तरफ चार फंदे बढ़ाए हैं, इस तरफ हम तीन फंदे छोड़ेंगे। ये 1, 2, ये 3, तीन फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे पीछे को और सारे फंदे फिर से उल्टे उल्टे बुन देंगे। इन तीन फंदों को हमने नहीं बुनना है, इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। अब देखिए, इस सिलाई में जो चार फंदे बड़े हुए हैं इन्हें हम कम कर देंगे। 2 का 1 बना दिया, इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिलाकर फिर से 2 का 1 बना दिया। ये हमारे 3 फंदे कम हो गए, ये 4, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुन देंगे। तो हमारा ये इस टाइप से झालर सी बनेगी। पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब की बार फिर हम 3 फंदे छोड़ देंगे। ये 3, 6 फंदे हो गए हैं, इन्हें हमने नहीं बुनना है, वापस से पीछे मुड़ जाएंगे। ये देखिए, पहले हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, अब यहाँ पर हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। 4 हो गए, 5, 6, 6 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब इन फंदों को हम बुन देंगे। बढ़ाए हुए फंदों को आराम से बुनेंगे, कई बार जी खुल जाते हैं, तो धीरे धीरे बुने इन फंदों को। अब हमने लास्ट तक ऐसे उल्टा ही बुनना है, फिर हमने 3 फंदे छोड़कर पलट जाना है।
तीन पहले छोड़े थे, तीन ये अब तीन और छोड़ दिए। पीछे को मुड़ जाएंगे, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देंगे। अब इन फंदों को, छह बड़े हुए फंदे हैं यो, इनको अब हम घटा देंगे। जैसे पहले घटाया था चार फंदों को, उसी तरीके से हमने दो का एक करते जाना है। इस वाले फंदे को इस वाले फंदे के साथ मिलाकर घटा देना है। बाकी के फंदे उल्टे उल्टे ही बुन देंगे। तीन फंदे लास्ट में छोड़कर पलट जाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने तीन फंदे छोड़कर फिर से हम पलट गए हैं, पीछे को मुड़कर फिर हमने उल्टे उल्टा ही बुनना है। अब की बार हम यहाँ पर आठ फंदे बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे बढ़ा लिए। अब इन फंदों को हम बुन लेंगे। बाकी के फंदे भी उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब के हम फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पीछे को मुड़ जाएंगे। अब इन फंदों को घटा देंगे। ये देखिए आठ फंदे हमने घटा लिए हैं। अब हमने बुनते हुए तीन फंदे और छोड़ देने हैं, पीछे को पलट जाना, फिर हमने दस फंदे डालकर इसी तरीके से बनाना है। तो दस फंदों तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि दस फंदे तक हमने बुन लिया है। अब हमने फिर से जैसे इस तरफ आठ फंदे हैं, चार छः आठ, अब दस के बाद आठ छः चार बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आठ फंदे बढ़ा लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। प्रोसीजर ये वही रहेगा जैसे हमने बढ़ाते हुए बुना था। अब हमने ये आठ बुनने हैं और इन आठ फंदों को ही फिर हमने कम करना, लेकिन अब कि हम दूसरी तरफ छोड़ेंगे नहीं फंदे, तीन उनको जो छोड़े हुए हैं उनको तीन तीन करके बुनते जाएंगे। आगे का ये सेम रहेगा हमारा। यहाँ पे गैप है तो एक फंदा हम उठाकर बुन लेंगे और दूसरे साथ मिलाकर दो का एक बना लेंगे, तो गैप भी भर जाएगा हमारा, वापस से फिर से एक फंदा बन जाएगा।
तो हमने ये तीन फंदे काउंट कर लिए हैं, इस तरफ पीछे को मुड़ जाएंगे और सारे फंदे उल्टा उल्टा ही बुन देंगे। अब इन फंदों को कम कर देंगे, घटा देंगे, दो का एक बनाते जाएंगे। चार हो गए ये, पांच, छह, सात, ये आठ। बाकी के फंदे उल्टे बुन देंगे। और ये बीच में गैप है तो इसको गैप को भरने के लिए यहाँ से कहीं से भी आप फंदा उठा लीजिए और ऐसे उठाकर इस वाले फंदे को, उठाए हुए फंदे को साथ वाले फंदे के साथ मिलाकर बुन दीजिए। जो उठाया हुआ है वो दूसरे वाला दोनों का एक बना दिया और ये दो फंदे हैं इन्हें भी हम बुन लेंगे। तो ये हमारे तीन फंदे काउंट कर लिए हमने इस तरफ को और फिर से वापस से पीछे मुड़ जाएंगे। अब की बार हम छह फंदे बढ़ाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, छह फंदों को बुन लेंगे। इसी तरीके से हम उस तरफ से जाकर तीन फंदों को काउंट कर लेंगे, इस तरफ बुन लेंगे। तो बाकी तो सेम रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा कि छह फंदों के बाद हमने चार बुनने हैं और फिर हमारा ये एक कली बनके कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से एक फंदा उठाया, इसके साथ मिलाकर बुन लिया और आगे के दो फंदे भी बुन लिए। यहीं से पलट जाएंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन देंगे। तो ऐसे ही हमने चार फंदों तक कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए चार फंदे भी हमने घटा लिए हैं और ये हम लास्ट में इस रो के पहुँच गए हैं। अब लास्ट में जो तीन फंदे रह गए हैं इन्हें भी हम इसमें बुन लेंगे। यहाँ से गैप को भरने के लिए फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे। लास्ट के दो फंदे हैं जो इन्हें भी बुन लेंगे। तो ये हमारा बनके एक कली का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, चार, छः, आठ, दस, फिर आठ, फिर छः, फिर चार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बैक साइड से दूसरा कलर जोड़ना है। दूसरा कलर जोड़कर हमने फिर से इस डिज़ाइन को सेम जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे ही बुनना है। पहले हम सिंपल कलर को जोड़ लेंगे और ध्यान रहे हमने उल्टी तरफ से ही दूसरे कलर को जोड़ना है और फिनिशिंग के साथ बनाना है। इन धागों को साथ में ही ले लेना है, पूरी रो हमने ऐसे ही बुन लेनी है। अब यहीं से हम फिर से दूसरी कली का स्टार्ट कर लेंगे। चार फंदे हम बढ़ा लेंगे, एक, दो, तीन, चार। इन चार फंदों को बुनेंगे और लास्ट में तीन फंदे छोड़ देंगे और पीछे को पलट जाएंगे। फिर हम जो बड़े हुए फंदे हैं इनको चार फंदों को कम करते जाएंगे, जैसे मैंने नीचे आपको शुरू में बताया ही था। आपने ऐसे ही कलर बदलते जाना है, बैक साइड रॉन्ग साइड से हमने लगाना है दूसरा कलर और इस तरीके से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है।
तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कलियां बनकर, तो ये हमारी 8 कलियां बनेगी। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कलियां बनेंगी जब लास्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा लास्ट का है, कली कंप्लीट हो जाएगी तो सारे फंदे हमने घटा देने हैं और बाद में नीडल से जोड़ देने हैं। आपको अच्छे से बता देती हूँ कि कैसे घटाने हैं। जैसे हमने 4, 4, 6 जैसे फंदे घटाए थे, वैसे ही ये सारे फंदे हमने घटा देने हैं। तो हमारी ये कली जो लास्ट वाली होगी तो वो बंद हो जाएगी। मान लो ये बंद हो गई है तो इसे हमने बैक साइड से सिलना है, सिंपल सिलना है। सिंपल जैसे टंके लगाते ही हैं वैसे सिलाई कर लेनी है। बीच में भी हमारा थोड़ा गैप रहेगा, उसको भी हम सुई से सिल देंगे। तो सिलना बहुत आसान है, इसमें सिखाने वाली कोई खास बात नहीं है, कोई भी इजीली से सिलाई कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है आपको तो लाइक ज़रूर करें, समझ आता है मेरा समझाने का तरीका, समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।